झुंझुनू के मलसीसर थाना क्षेत्र के कुल्हरियों का बास में एक युवक ने देसी कट्टे से फायर कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार वीरेंद्र कुल्हारी ने अपने आपसी विवाद के चलते पत्नी कविता जाट की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों की शादी 2-3 साल पहले ही हुई है। वीरेंद्र चिकित्सा विभाग में संविदा पर कार्यरत है, जो बीती रात को ही गांव आया, लेकिन रात में किसी बात को लेकर पति ने पत्नी पर फायर कर दिया और गोली की आवाज सुनकर लोग मौके पर जमा हो गए, जिनके सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्ची में रखवाया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। पुलिस ने आरोपी को भी हिरासत में ले लिया, जिसे पूछताछ की जा रही है। गत रात्रि को लगभग 11-11.30 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी, सुंदर पास में कोई किसी व्यक्ति ने किसी घर में कोई फायरिंग कर दी और फायरिंग से किसी की मौत हो गई, जिस पर वहाँ जाके देखे और श्री मनसियो साहब मौके पर पधारे। वहाँ जाके देखा तो कविता वाइफ ऑफ वीरेंद्र, जो कि नूनिया कोठरा की रहने वाली थी और यहाँ कुलड़ियों के पास में ब्याही थी, जिसकी शादी 3-4 साल पहले हुई थी। उसकी देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।